ओके जी, तो मैं एक प्लगइन की बात कर रहा था कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर अगर मैंने अपनी वेबसाइट पे लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा। तो मैं ये करूंगा कि प्लगइन्स के अंदर जाके ऐड न्यू करते हैं, ट्रांसलेटर मैं ट्रांसलेट करके सर्च कर लेता हूँ कोई भी प्लगइन जो हमें ट्रांसलेट करके दे दे हमारी वेबसाइट को। हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं राइट जी ट्रांसलेट, ये वाली इंस्टॉल कर लेते हैं ठीक। और ये 7 दिन पहले ही अपडेट हुआ है, मीन्स ये लेटेस्ट है ठीक है। अच्छा, किसी भी प्लगइन की जितनी जल्दी अपडेट आती है उससे पता चलता है कि ये प्लगइन वर्केबल है, ये चल रहा है मार्केट में। जिसकी सालों से अपडेट नहीं है इसका मतलब ये है कि अब वो पुराना हो चुका है, वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो देखिए वहाँ पर जी ट्रांसलेट आ गया, हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग्स में ये है कि आपकी जो विजिट का लुक है वो नाइस ड्रॉप डाउन विथ फ्लैग, मतलब आपका ऐसा आएगा विजिट दिख रहा है। अगर मैं इसको यूँ कह दूँ भाई फ्लैग्स एंड ड्रॉप डाउन, तो यहाँ फ्लैग भी आ गया, यहाँ ड्रॉप डाउन भी आ गया। मैं कहूँ भाई सिर्फ ड्रॉप डाउन, तो सिर्फ ड्रॉप डाउन आएगा। सिर्फ फ्लैग्स, तो फ्लैग्स आ गए। फ्लैग विद लैंग्वेज नेम, तो ये देखो काफ़ी लंबा ठीक है। हमने कहा सिर्फ फ्लैग कर लेते हैं इसको, फ्लैग्स आ गए। अब इसमें कौन कौन से फ्लैग आएंगे, ट्रांसलेट फ्रॉम, आपकी जो वेबसाइट है उसका बेसिक लैंग्वेज आपकी इंग्लिश ही है, तो इंग्लिश से ट्रांसलेट होगा। और कौन कौन सी लैंग्वेज, मैंने कभी अरबी में करना है ठीक है, फ्रेंच में नहीं करना, जर्मन में नहीं करना, इटालियन में नहीं करना, इंग्लिश तो है ठीक है, चाइनीज़ कर लेते हैं, स्पेनिश है, पुर्तगाल है, रशियन हटा दिया, मैंने उर्दू भी दे दिया है ठीक है। नहीं जैसे मैंने सेलेक्ट किया देखो पाकिस्तान का झंडा आ गया। ऑलराइट भाई, इसको सेव चेंजेस करते हैं आप। तो जैसे आप सेव चेंजेस करते हैं तो देखें ये आपकी वेबसाइट इस वक्त उर्दू में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि आप उर्दू पे क्लिक हुए हुए हैं। मैं यहाँ पर देखो इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ, मेरी पूरी वेबसाइट दोबारा से इंग्लिश हो गई। ओके, मैं वेबसाइट देखने के लिए यहाँ से विजिट साइट पर जाता हूँ, तो वेबसाइट मौजूद है। सर यहाँ तो विजिट आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने विजिट लगाया नहीं। कैसे लगाएंगे, हम जाएंगे विजिट्स के अंदर और इसमें जाके देखेंगे वहाँ पर जी ट्रांसलेट का, ये रहा जी ट्रांसलेट का विजिट। ये मैं साइड बार में सर्च के ऊपर लगा देता हूँ और टाइटल दे देते हैं लैंग्वेज, सेव कर दिया। यहाँ देखें आके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ सर्च के ऊपर ये हमारे पास आ गया। इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखो पूरी वेबसाइट मेरी टपाल चाय ग्रीन राइस फरोख्त टोकरी में शामिल करें ठीक है। इंग्लिश की वेबसाइट उर्दू में कन्वर्ट हो गई, बाकी मेन्यू वगैरह मैं आपको बता ही चुका हूँ ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को एक कम्प्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं ठीक है। और थैंक यू सो मच।